इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए मसूर दाल। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप मसूर दाल। अब आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि जो सूप बनेगा वो एकदम दाल की तरह टेस्ट करेगा। ये सूप बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। ठंड के इस मौसम में आप बना सकते हैं, वैसे तो साल के किसी भी समय आप इसे बना ही सकते हैं। दाल को 3 से 4 बार अच्छे से आप पानी से धो लें। नेक्स्ट हमें चाहिए एक प्याज, तो छोटे से मीडियम साइज के प्याज को आप स्लाइस या फिर चॉप कर लें। ठंड के मौसम में सूप पीने का बहुत मन करता है और सूप पीने का मजा भी कुछ और है। आपका फेवरेट सूप कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो प्रेशर कुकर में हमें डालनी है दाल और प्याज दोनों साथ में। 1 से 1.5 कप लगभग पानी मैं डाल रही हूँ, पानी बाद में एडजस्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी। अब बिना नमक डाले इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें पकाना है। तो मसूर की दाल पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तो लो मीडियम फ्लेम पर आप 2 से 3 सीटी लगाएंगे, इतने में भी अच्छे से ही गल जाएगी। इसमें हम गाजर भी डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है एक गाजर, इसमें से चॉप करके मैं 1/4 कप यूज़ करूँगी। आप ज़्यादा गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंच बीन्स आती है वो भी आप एकदम बारीक चॉप करके इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। पर ये सूप अपने में ही इतना ज़्यादा टेस्टी है कि बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। गाजर को चॉप करने के लिए आप चाकू यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह कोई चॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे चॉप कर रही हूँ चॉपर में। गाजर भी अच्छे से चॉप हो गया है। कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाने के बाद ही ढक्कन हटाएं। दाल काफी अच्छे से गल गई है और गर्म भी है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मथनी। आप चाहें तो एक हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, पर ये दाल बहुत अच्छी गल जाती है। तो मथनी से ही आप थोड़ा सा अगर इसे घुमा देंगे ना, इतना भी इनफ होगा। इस सूप को बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं रखना है, तो थोड़ा पतला ही बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एक कढ़ाई या पैन में डालें थोड़ा सा घी। तो लगभग 1 टीस्पून घी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें जाएगा गाजर। तो अंदाजे से 1/4 कप के बराबर गाजर मैंने डाला है और हल्का सा नमक। गाजर को बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि ये हल्का सा पक जाए, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्च चीरा लगा के। हल्का सा तीखा बनाएगा, एकदम हल्का, और सूप और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। पर अगर आपको हरी मिर्च नहीं डालनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जाएगी ये अच्छे से पकी हुई दाल, थोड़ा सा पानी। अब इसमें एक उबाल आने दें। थोड़ी सी काली मिर्च डालें, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, तो टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर नमक डाल लें। सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। हल्का सा इसमें उबाल आ जाएगा तो हम एक और चीज़ डालेंगे, जिससे सूप का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। लास्ट में हमें डालना है नींबू का रस। तो आधे छोटे साइज का नींबू का रस डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये सूप हमारा रेडी है, जो बनाया हमने दाल से है, पर आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि जो नॉर्मल हम दाल खाते हैं ये वैसा है। गर्मा गर्म सूप को परोसे। इसके साथ जो ब्रेड के क्रूटॉन्स बनते हैं, घर पर बना सकते हैं आप ब्रेड को फ्राई करके, वो परोस सकते हैं। ब्रेड स्टिक्स भी परोस सकते हैं या फिर ऐसे भी इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। ठंड के इस मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।